नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में, हूं आपके साथ शिवानी पांडे। जिस तबलीगी जमात ने अपनी हरकतों से सुर्खियां बटोरी हुई हैं, उस तबलीगी जमात को शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने लताड़ लगाई है और कोशिश की है कि उनको उनकी गलती का एहसास हो। वसीम रिजवी ने कहा कि तबलीगी जमात के लोग मौत बांटने निकले थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना मोहम्मद साद को सजाए मौत से कम सजा नहीं देनी चाहिए। और उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। निजामुद्दीन मरकज की तबलीगी जमात के लोग देश की मस्जिदों से मौत बांटने निकले थे। इन जमातियों ने सफर के दौरान हजारों लोगों में कोरोना बांटा होगा। मस्जिदें अल्लाह की रहमत के लिए होती हैं, लेकिन इन तबलीगी जमातियों ने मस्जिदों को मौत का घर बना दिया। तबलीगी जमात के मुखिया मोहम्मद साद के खिलाफ हिंदुस्तान में महामारी फैलाकर हत्या कराए जाने का मुकदमा लिखा जाना चाहिए और तबलीगियों की या तबलीगियों के जरिए जिनकी भी मौतें हो जाएं, उसका जिम्मेदार मौलाना मोहम्मद साद को मानते हुए उसको सजाए मौत से छोटी कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। वाकई जिस तरह तबलीगी जमात के लोग संक्रमित होकर बाहर निकले हैं, इस पर उन पर उचित कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे अब कोरोना के संक्रमण का डर और बढ़ गया है। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।